तमंचाधारी युवक ने वकील पर बोला जानलेवा हमला। एक हमलावर को वकीलों ने दबचकर जमकर की उसकी मजामत। पुरानी रंजिश को लेकर वकील को गोली मारने आए थे नामजद तमंचाधारी युवक। हमलावर की मजामत करने के बाद वकीलों ने तमंचाधारी हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद मथुरा के SSP कार्यालय के सामने सिविल लाइन चौकी का है। यहाँ कुलदीप वकील रोज की तरह अपने चैम्बर पर बैठा था, जिसके बाद वह उठकर अपनी मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था। इसी दौरान वहां पहले से ही घात लगाए बैठे चार हमलावरों ने उस पर हथियारों के बल पर हमला बोल दिया। हंगामे की स्थिति को देखते हुए वह वहां मौजूद वकीलों ने हमलावर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तीन हमलावर भागने में सफल रहे, जबकि एक हमलावर ने वकीलों को दबोच लिया। और वहीं कुलदीप एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी कोई जमीनी विवाद है, जिसको लेकर गाँव के नामजद लोगों ने उन पर हमला बोला है। फिलहाल उन्होंने इस घटना की जानकारी सदर पुलिस को दी और पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर भी लिया है। हम लोग यहाँ थोड़ा बाहर हो जाओ भाई। था आज और मैं अपनी पार्किंग से बाइक उठाने गया, तभी तीन चार लोग और एक गोपाल और गोपला करके तमंचा था उसके हाथ में, और उसने मेरे पे लगा दिया और मेरे साथ मारपीट करने लगे। क्या जी, क्या कारण है? कौन लोग? कुछ नहीं, गांव में मामला चल रहा है, उसी के पे मेरे मारपीट करने लगे। और आपके साथ? मेरे साथ में कौन लोग थे? वो गांव के ही हैं, गोपला और तीन चार अज्ञात थे, वो निकल गए पहलवान थे कोई। अच्छा। लेकिन कचहरी में सब वकील थे, इसलिए सब ने मुझे बचा लिया, नहीं मार जाते। कुछ हथियार वगैरह? हाँ, हथियार था, तमंचा था, वो पकड़ लिया है, मौके भी पकड़ा गया, वो तमंचा भी उसके पास। कुछ नहीं, नॉर्मल कोई ऐसा विवाद नहीं है। ये सारा विवाद थाने के सामने ही सारा व्यतीत हुआ है? मेरी सामने थाने के सामने बाइक खड़ी थी, वहाँ ले थे, पहले से ही वहाँ बैठे हुए थे ये लोग। अच्छा, घात लगा कर बैठे हुए थे, आप पे हमला करने के इरादे थे? फिर क्या हुआ, आप कहाँ से आए, कैसे आए, कुछ बताइए। कचहरी पे था मैं, तो कचहरी भी रहता हूँ, वकील हूँ, अपने चैम्बर का था, बाइक उठाने आया था यहाँ पे। कितने लोग पकड़ लिए? एक पकड़ा गया, तीन लोग भाग गए, पहलवान थे। तो आपने धैर्य दे दी पुलिस को? हाँ, अभी एप्लीकेशन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। क्या लोगों के खिलाफ? अभी एक लोग नाम जाते हैं, तीन लोग अज्ञात के खिलाफ में, मैं एप्लीकेशन यहाँ पे दे रहा हूँ।